हेलो ट्रैवलर्स, कैसे हैं आप सब। कहते हैं बहुत कर लिया मलाल ज़िंदगी में, चलो ज़िंदगी जी लेते हैं। सिमट कर रह गई है दुनिया हमारी घर में, चलो आज घर से कहीं दूर चलते हैं। तो आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल बंजारा ट्रैवल में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि हम इंडिया से कहां कहां पर कौन कौन सी कंट्री रोड ट्रिप के थ्रू जा सकते हैं। इंडिया से जो रोड ट्रिप हम स्टार्ट करेंगे उसमें सबसे पहले नंबर पर आता है एशिया का सबसे खूबसूरत और सबसे हैप्पीएस्ट कंट्री, यानी कि भूटान। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि भूटान बहुत ही शांत और हैप्पीएस्ट कंट्री है, जहां पर एक भी ट्रैफिक लाइट नहीं है। तो इंडिया से भूटान जाने के लिए आप वेस्ट बंगाल के रास्ते जा सकते हैं। वेस्ट बंगाल के जयगांव से आप भूटान में एंटर कर सकते हैं। भूटान में प्रवेश करने के लिए आप वेस्ट बंगाल के जयगांव के थ्रू एंटर कर सकते हैं। जयगांव से नई दिल्ली की जो दूरी है 1400 किलोमीटर की दूरी है। भूटान जाने के लिए जो आपको डॉक्यूमेंट चाहिए वो है, भूटान जाने के लिए आपको इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस, आईडी प्रूफ और अपने व्हीकल का इमिग्रेशन पोस्ट डिपार्टमेंट ऑफ भूटान से रजिस्टर करवाना होगा। इसके बाद आप भूटान में प्रवेश कर सकते हैं। भूटान के बाद हम चलते हैं अब म्यांमार। म्यांमार जाने के लिए आप नई दिल्ली से जो थाईलैंड तक की नई सड़क बनी है उसके थ्रू जा सकते हैं। भारत से म्यांमार में जो एंटर करने का जो रास्ता है वो है मणिपुर। मणिपुर से नई दिल्ली की जो दूरी है वो तकरीबन 2400 किलोमीटर है। म्यांमार में आपको जाने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो हैं, म्यांमार में जाने के लिए आपको पासपोर्ट, वैलिड वीजा, स्पेशल परमिट ऑफ म्यांमार गवर्नमेंट और उसके साथ ही आपको कार्नेट डॉक्यूमेंट्स भी चाहिए होगा। म्यांमार के बाद हम चलते हैं थाईलैंड में। थाईलैंड एक बहुत ही खूबसूरत देश है जो कि अपनी नाइट लाइफ के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। तो दोस्तों, थाईलैंड जाने के लिए हम जो नई दिल्ली से थाईलैंड की नई सड़क बनी है उसके थ्रू जा सकते हैं। थाईलैंड में आप म्यांमार के रास्ते जा सकते हैं। ये सारी सड़कें जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये रोड ट्रिप्स के बारे में जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। थाईलैंड में जाने के लिए आपको जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो है, थाईलैंड में जाने के लिए आपको इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस, इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट, वीजा, टेम्पररी ड्राइविंग लाइसेंस भी चाहिए होगा, पासपोर्ट और उसके साथ में स्पेशल परमिट बाय गवर्नमेंट और उसके साथ ही आपको कार्नेट डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। मलेशिया में आप थाईलैंड के थ्रू एंटर कर सकते हैं। थाईलैंड तक का तो रास्ता जो मैंने आपको बताया है वही है, नई दिल्ली से थाईलैंड तक की जो सड़क बनी है उसके थ्रू आप थाईलैंड तक जा सकते हैं और थाईलैंड के बाद आप मलेशिया में एंटर कर सकते हैं। मलेशिया में एंटर करने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको वो हैं, मलेशिया में जाने के लिए आपको पासपोर्ट, वीजा, मलेशियन गवर्नमेंट से आपको स्पेशल परमिट और कार्नेट डॉक्यूमेंट चाहिए होगा। तो मलेशिया के बाद हम चलते हैं सिंगापुर। सिंगापुर एक बहुत ही छोटी और विकसित देश है क्योंकि यहाँ की आबादी बहुत कम है। जिन लोगों को शॉपिंग का बहुत शौक है तो वो सिंगापुर जा सकते हैं क्योंकि सिंगापुर उन लोगों के लिए जन्नत जैसी जगह है। तो सिंगापुर में आप मलेशिया के थ्रू एंटर कर सकते हैं और सिंगापुर में जाने के लिए जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो हैं, सिंगापुर में जाने के लिए आपको इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस और इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट, इसके साथ इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस, स्पेशल परमिट बाय गवर्नमेंट और कार्नेट डॉक्यूमेंट चाहिए होगा। रोड ट्रिप का जो अगला पड़ाव है वो है चाइना। तो भारत से चाइना जाने के लिए आप नेपाल के रास्ते लहासा, फिर तिब्बत और उसके बाद आप फाइनली चाइना में जा सकते हैं। और चाइना में अगर आप जाने के बाद चाइना की शानदार सड़कें, चाइनीज कल्चर और वहाँ के चाइनीज फूड का आनंद मान सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत की बात यह है कि चाइना में जाने के लिए आपको 2 महीने पहले ही वहाँ से परमिशन लेनी होती है, यानी कि आपको चाइनीज सरकार से परमिशन लेना होगा कि आप उनकी कंट्री में आ रहे हैं। उसके लिए आपको 2 महीने पहले ही वहाँ पर फाइल्स डालनी होती है, उसके बाद अगर वो आपको परमिट अलाउ करते हैं तो उसके बाद आप चाइना में जा सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ ही आपको वहाँ के टेम्प्ररी ड्राइविंग लाइसेंस भी चाहिए होती है। इसके साथ कुछ और डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं जो हैं, चाइना में जाने के लिए आपको वैलिड पासपोर्ट, वीजा, स्पेशल ओवरलैंड परमिट्स फॉर इंडियन रजिस्टर्ड व्हीकल्स, तिब्बत ट्रैवल परमिट, टेम्प्ररी ड्राइविंग लाइसेंस और इसके साथ में कार्नेट डॉक्यूमेंट्स भी चाहिए होगा। चाइना के बाद हम रूस जा सकते हैं जो कि दुनिया का सबसे बड़ा देश है। तो रूस में जाने के लिए आपको चाइना से सबसे पहले कजाकिस्तान जाना होगा और कजाकिस्तान के बाद आप रशिया में एंटर कर सकते हैं। रूस में प्रवेश करने के लिए आपको सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो है कि जिन जिन कंट्री से आप घूम कर आए हैं वो सारी कंट्रीज के वीजा चाहिए। इसके साथ साथ और भी कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि इस प्रकार हैं। आपको जाने के लिए पासपोर्ट, वीजा और जिन जिन कंट्री से आप होकर आए हैं उन सभी कंट्रीज के वीजा और उसके साथ में स्पेशल ओवरलैंड परमिट्स फॉर इंडियन रजिस्टर्ड व्हीकल्स और उसके साथ तिब्बत ट्रैवल परमिट लाइसेंस और उसके साथ में टेम्पररी ड्राइविंग लाइसेंस भी चाहिए होगा। यूरोप कॉन्टिनेंट्स में जाने के लिए आपको एक सेंगन वीजा लेना होता है। इस वीजा को लेकर आप यूरोप के सभी कंट्री में जा सकते हैं। तो रूस के बाद हम चलते हैं फिनलैंड। फिनलैंड बहुत ही खूबसूरत देश है जो कि शुरू से ही बहुत ही खूबसूरत रहा है और रोड ट्रिप के थ्रू इसे आप और भी खूबसूरत बना सकते हैं। फिनलैंड जाने के लिए आपको जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो हैं,
आपको जाने के लिए पासपोर्ट वीज़ा और जिन जिन कंट्री से आप होकर आए हैं उन सभी कंट्रीज़ के वीज़ा और उसके साथ में स्पेशल ओवरलैंड परमिट्स फॉर इंडियन रजिस्टर्ड व्हीकल्स और उसके साथ तिब्बत ट्रैवल परमिट लाइसेंस और उसके साथ में टेम्पररी ड्राइविंग लाइसेंस भी चाहिए होगा। यूरोप कॉन्टिनेंट्स में जाने के लिए आपको एक सेंगन वीज़ा लेना होता है। इस वीज़ा को लेकर आप यूरोप के सभी कंट्री में जा सकते हैं। जिसे हम एक आइडियल रूट मैप कहते हैं वो है इंडिया टू टर्की। तुर्की एक बहुत ही खूबसूरत और प्यारा देश है। तुर्की की चाय बहुत ही प्रसिद्ध है और वहाँ के बाजार देखने लायक हैं। तुर्की जाने के लिए आप दो रास्तों का इस्तेमाल कर सकते हैं, एक जो रसिया और जॉर्जिया के थ्रू जाता है और जो दूसरा रास्ता है वो है दिल्ली से आप ल्हासा, तिब्बत, फिर चाइना, उसके बाद किर्गिस्तान, किर्गिस्तान के बाद उज्बेकिस्तान और उसके बाद आप तुर्की में एंटर कर सकते हैं। तुर्की के बाद आप इटली जा सकते हैं जो कि बहुत ही शानदार और खूबसूरत देश है। बॉलीवुड की बहुत सारी फिल्मों में आपने इटली के सीन देखे होंगे, तो इटली जाने के लिए आप तुर्की के थ्रू जा सकते हैं। इटली में जाने के लिए जो आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो हैं, आपको जाने के लिए पासपोर्ट वीज़ा और जिन जिन कंट्री से आप होकर आए हैं उन सभी कंट्रीज़ के वीज़ा और उसके साथ में स्पेशल ओवरलैंड परमिट्स फॉर इंडियन रजिस्टर्ड व्हीकल्स और उसके साथ तिब्बत ट्रैवल परमिट लाइसेंस और उसके साथ में टेम्पररी ड्राइविंग लाइसेंस भी चाहिए होगा। यूरोप कॉन्टिनेंट्स में जाने के लिए आपको एक सेंगन वीज़ा लेना होता है। इस वीज़ा को लेकर आप यूरोप के सभी कंट्री में जा सकते हैं। इटली के बाद आपको स्मूथेस्ट रोड पर ड्राइव करने का मौका मिलेगा और जो ये देश है वो बहुत ही खूबसूरत देश है जो कि न्यूली कपल्स के लिए एक बहुत ही बेस्ट प्लेस माना जाता है और रोमांस के नाम से तो ये प्रसिद्ध है, जिसे हम स्विट्जरलैंड कहते हैं। स्विट्जरलैंड में जाने के लिए जो आपको डॉक्यूमेंट चाहिए वो हैं, आपको जाने के लिए पासपोर्ट वीज़ा और जिन जिन कंट्री से आप होकर आए हैं उन सभी कंट्रीज़ के वीज़ा और उसके साथ में स्पेशल ओवरलैंड परमिट्स फॉर इंडियन रजिस्टर्ड व्हीकल्स और उसके साथ तिब्बत ट्रैवल परमिट लाइसेंस और उसके साथ में टेम्पररी ड्राइविंग लाइसेंस भी चाहिए होगा। यूरोप कॉन्टिनेंट्स में जाने के लिए आपको एक सेंगन वीज़ा लेना होता है। इस वीज़ा को लेकर आप यूरोप के सभी कंट्री में जा सकते हैं। फ्रेंड्स, आज के वीडियोज़ में बस इतना ही, लेकिन आप रोड ट्रिप के थ्रू इंडिया से बहुत सारी और कंट्रीज में जा सकते हैं, जैसे कि तुर्कमेनिस्तान, स्पेन, फ्रांस, पेरिस, जैक रिपब्लिक और बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ में जिन जगहों के बारे में हमने इतना सुना है, क्यों ना वहाँ जाकर देखा जाए। कहते हैं सफ़र की कठिनाइयाँ ही तो मंजिल की खूबसूरती बयां करती है। तो दोस्तों, आज के वीडियोज़ में बस इतना ही। ट्रैवल से रिलेटेड ऐसी वीडियोज़ को देखने के लिए मेरे चैनल बंजारा ट्रैवल को सब्सक्राइब करें और अगर आपकी कोई क्यूरी हो ट्रैवल से रिलेटेड तो मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर जाकर मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।